सो हेलो इन व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप सब। आजकल एक और पब ज्वेल की ऑसम सी वीडियो लेके सबसे आप सोच रहे हो यार मैं तब खुश क्यों गाइस यार, बिकॉज यार पबजी यहाँ पे न्यूज़ ही ऐसी दी है, पबजी मोबाइल अनबैन होने वाला है बहुत ही जल्दी गाइस। यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आ सकेंगे ऑफिशियली एंड गाइस यार, मतलब जिनसे डायरेक्टली यहाँ पे पता चलता है यार पबजी मोबाइल अनबैन होने वाला है इंडिया में। गाइस एक गारंटी मैं आपको देता हूँ गाइस, आप लास्ट में जब यहाँ पे वीडियो छोड़ के जाओगे तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पूछोगे कि गाइस यार यहाँ पे पबजी मोबाइल कब यहाँ पे प्ले स्टोर पर आएगा एंड हम उसको अपडेट कर पाएंगे एंड कब उसको हम खेल पाएंगे। तो गाइस यार मतलब इसका मतलब ये है कि आप यार कन्फर्म हो जाएंगे 100% कि पबजी मोबाइल वापस आ रहा है। बिकॉज यार मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे पबजी मोबाइल ने इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल से टेंसेंट से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब जिनको यार पॉलिसी को ऐड करेगी तो वो वापस आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन मुझे पता चल चुके हैं, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं एंड गाइस यहाँ पे टेंसेंट उसको यार माना या नहीं माना क्या हुआ है गाइस, तो वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे यार मतलब जैसे बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है जैसे फैनेटिक सोल वगैरह, तो गाइस टेंसेंट ने इनसे डायरेक्टली बात की है एंड गाइस यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि पबजी अनबैन के ऊपर इंडिया में। तो गाइस इन सबसे एक पता चलता है पबजी मोबाइल बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ विद ऑफिशियल न्यूज़ के साथ। एंड गाइस आप सबको बता दूं यार पबजी मोबाइल ने ऑफिशियल न्यूज़ क्यों नहीं दी अभी तक। तो गाइस यार हम सब आप सब यही कहते हो यार ऑफिशियल न्यूज़ है, तो यार पबजी मोबाइल नहीं दे रहा तो मैं कहाँ से लाऊं। तो गाइस पबजी मोबाइल ने इसलिए नहीं दी बिकॉज वो ब्लू होल कंपनी है एंड ब्लू होल की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती टेंसेंट के, उसकी वजह से बैन हुआ है एंड वही उसको अनबैन कर सकता है। एंड गाइस अभी यार टेंसेंट के हाथ में यार सब कुछ ठीक है, उसकी की गलती है। तो गाइस यहाँ पे अभी इंडियन गवर्नमेंट एंड टेंसेंट यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे एंड मतलब अभी यहाँ पे फाइनल तो हो चुका है। बट गाइस यहाँ पे पबजी मोबाइल ने इसलिए कोई यहाँ पे ट्वीट वगैरह नहीं किया क्योंकि यार उसका यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है गाइस, यहाँ पे बैन और अनबैन के सीन में ये सब टेंसेंट और इंडियन गवर्नमेंट का है। तो गाइस फाइनली आपको बताता हूं गाइस ये सब क्या होगा आगे। एंड उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ यार, बहुत बंदे कहते हैं यार मैं फेकू। तो गाइस जो मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था ना गाइस, वो अभी यार शाम को 4-5 बजे यार लोग बता रहे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बता रहे हैं जिनके 5-5, 6-6 लगे कि यार ये सब चीज़ें हुई है। तो गाइस मतलब देख सकते हो यार मैंने इतने घंटे पहले बता दिया, उसका यार मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, 2 लाख से ऊपर व्यू गए उसके लिए, बहुत बहुत थैंक्स। बट गाइस आप फेक मत कहना मुझे यार, बिकॉज इतनी मेहनत लगती है ना न्यूज़ कलेक्ट करने में, एक फेक वर्ड ने पूरा मतलब गलत ही कर दिया। बाकी गाइस यार अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अगर आप यार सब्सक्राइब नहीं करोगे ना गाइस यार मैं आपको बद्दुआ दे दूंगा, मतलब गाइस यार आपका फ़ोन का हॉटस्पॉट अपने आप खुल जाएगा एंड गाइस आपका फ्रेंड यहाँ पे सारा नेट ख़त्म कर देगा। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आप वाईफाई यूज़ करोगे तो वाईफाई का कनेक्शन ख़राब हो जाएगा एंड टीवी देखने बैठोगे तो आपका कनेक्शन भाग जाएगा, मतलब सिग्नल भाग जाएगा। एंड गाइस अगर यहाँ पे आप बाहर खेलने जाओगे तो यार बारिश आ जाएगी। तो गाइस फालतू की बातें बहुत खत्म हो गई, अभी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अभी न्यूज़ सुनो। सो गाइस सबसे पहली चीज़ यार, वो जो 21 साल के बच्चे ने सुसाइड किया है एंड उसको ब्लेम किया जा रहा है कि वो पबजी मोबाइल की वजह से किया है। सो गाइस यहाँ पे मैं उसकी तरफ से मुझे मैं कुछ नहीं कह सकता गाइस, ये ऑफिशियल न्यूज़ होती है तो मैं इनमें नहीं घुसूंगा। बट गाइस मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ तो गाइस यार मैंने एक दो यूट्यूबर की वीडियो देखी एंड खुद के बेसिस से मैं ये कहना चाहूँगा कि गाइस यार पबजी मोबाइल अभी तक इंडिया में बैन नहीं हुआ था, प्ले स्टोर पर सही से मतलब प्ले स्टोर से हट चुका है बट गाइस स्टिल अच्छी तरह वर्क कर रहा था। KRB गाइस और भी बहुत सारे वर्जन है एंड पबजी मोबाइल के लिए यार कोई 21 साल का बच्चा अपनी जान देगा, मतलब गाइस अगर उसने जान दी यार बहुत गलत चीज़ की है एंड मतलब उसने अपनी यार क्या फ़ायदा हुआ उसको, मरने के बाद थोड़ी पबजी मिल गया, अभी थोड़ा दिन रुक जाता तो यार अनबैन हो जाता ना, हमारे जैसे यूट्यूबर को देख लेता कुछ मोटिवेशन मिलता, चाहे मैं यहाँ पे गलत ही हूँ बट गाइस मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस यहाँ पे सुसाइड वाले सीन भी कम होते मेरी वीडियो से अगर वो देख लेता। बाकी गाइस ये चीज़ छोड़ो गाइस, यहाँ पे पबजी मोबाइल बैन नहीं हुआ था तो गाइस यहाँ पे कोई और रीज़न हो सकता है उसके सुसाइड का एंड यहाँ पे ब्लेम कर दिया जा रहा है पबजी मोबाइल को, तो मुझे नहीं लगता गाइस ये थोड़ा सही है। बाकी गाइस जो भी हुआ वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे इसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट गाइस यहाँ पे पबजी मोबाइल स्टिल वर्क कर रहा था तो गाइस उसका सुसाइड करने का कोई यहाँ पे सीन ही नहीं बनता है। सो गाइस यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहला सवाल जो कहा है टेंसेंट को, तो यार जो पबजी का सारा डाटा होगा वो चाइना में सेव नहीं होगा, वो इंडिया में, सिंगापुर में, हांगकॉन्ग में, इनमें सेव होगा, ठीक है, जितना भी डाटा होगा पबजी मोबाइल का। एंड गाइस जो इंडिया की लोकल इन्फो होंगी लाइक यार जीमेल, फ़ोन नंबर एंड यार बहुत सारी चीज़ें होती है, तो गाइस वो सब गाइस यहाँ पे इंडिया के अंदर ही सेव होंगी, गाइस बाहर नहीं जाएंगी, मतलब वो कोई चाइना को या कहीं भी नहीं जाएंगी। बिकॉज गाइस जैसे आप सबने यार मूवी में देखा होगा गाइस यार कोई पुलिस केस हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे या कैसे भी लेवल पे, तो गाइस वहाँ पे ऐसा होता है यार मतलब पुलिस वाले डिटेल निकलवा देते हैं सारी उस नंबर से सब कुछ। एंड गाइस यार किसी देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जैसे चाइना के अंदर टेंसेंट काम कर रहा है, सो गाइस यहाँ पे चाइना को पूरे यहाँ पे मतलब हक है यार वो निकलवा सकता है उससे कोई भी डिटेल एंड यहाँ पे टेंसेंट को भी उसको चुपचाप निकाल के देनी पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे जैसे बॉर्डर पे इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब समझ सकते हो गाइस क्या चल रहा है, तो गाइस उस वजह से यहाँ पे यार चाइना हमारा यार डेटा का बहुत गलत यूज़ कर सकता है। एंड गाइस ये बहुत सही चीज़ है कि यार यहाँ पे पबजी बैन किया गया, करना भी चाहिए, मैं इसके तो एग्री हूँ क्योंकि यार गाइस वो हमारा डेटा कर देता तो यहाँ पे हमारे सोल्जर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था। तो गाइस अभी यहाँ पे सीन बता दो गाइस क्या होगा यार, सबका डेटा यहाँ पे इंडिया में स्टोर होगा, कोई भी डेटा बाहर नहीं जाएगा, तो गाइस इससे हमारा ये वाला दिक्कत भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी।
सो गाइस यहाँ पे अगर कोई अकाउंट यहाँ पे ऐसा होगा आगे से, अगर कोई अकाउंट अपना डिलीट कर देता है तो गाइस उसके 30 दिन के बाद तो यहाँ पे सारी फुल डिटेल जितनी भी होंगी गाइस वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी टोटली यार, मतलब ऐसा कोई था भी वो सब भूल जाएंगे। अभी कोई भी अकाउंट डिलीट होता है तो उसकी सारी डिटेल्स, ईमेल आईडी वो सब वहाँ पे एडिट रहती हैं। तो गाइस आगे ऐसा होगा कि सब 30 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। एंड एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया मैं स्टार्टिंग में, जो यार वो 21 साल के बच्चे ने सुसाइड किया, एंड इसको जो इंडियन हमारी न्यूज़ यार इतना ज़्यादा वो कर रही है ना, मतलब बड़े लेवल पे लेके जा रही है, तो गाइस वो इसीलिए कर रही है बिकॉज टीआरपी के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में उसको इतना ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब कि यार पबजी 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 गाइस यार पबजी हर चीज़ का वो नहीं होता, कोई मर गया यार किसी के घर में तो यार वो पबजी ने थोड़ी मारा, क्या पता उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो, उस पर थोड़ा चेकआउट तो कर लो गाइस। ऐसे तो यार पता नहीं लाखों लाखों लोग सुसाइड करते हैं, तो गाइस आप यार मतलब प्यार के चक्कर में तो गाइस यहाँ पे प्यार करना बंद कर दो ना, बैन कर दो प्यार को, हाँ यार उल्टी चीज़ें करते हो, तो गाइस यहाँ पे छोड़ो गाइस। अभी यहाँ पे गाइस यहाँ पे एक और न्यूज़ आ चुकी है यार, जो एक वेबसाइट से मैंने देखी, एंड गाइस इसके ऊपर बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो, पबजी बैन, टेंसेंट रीच आउट ऑफ दिस इंडिया गेमिंग कम्युनिटी ऑन पबजी बैन। सो गाइस यहाँ पे पबजी मोबाइल ने बहुत सारी यहाँ पे जितनी भी मतलब यहाँ पे क्लैंस हैं, मतलब ठीक है आप देख सकते हो टीम्स हैं जो ऑफिशियल यहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलती हैं, ठीक है पीएमसी वगैरह छोटे भी पीएमपीएल वगैरह, तो गाइस उनसे डायरेक्टली यहाँ पे टेंसेंट ने बात की है कि गाइस जो बड़ी बड़ी हैं ठीक है, छोटी से नहीं जो बड़ी हैं, उनसे टेंसेंट ने बात की है गाइस यहाँ पे कि यार मतलब अनबैन के ऊपर ये सब सीन चल रहा है, एंड गाइस अभी फाइनली यहाँ पे अनबैन होने वाला है, बिकॉज यार इतनी बड़ी लेवल पे चल रहा था यहाँ पे, इतने सारे यहाँ पे गेमर्स आ चुके हैं, तो इतने सारे करियर्स बन चुके हैं, तो गाइस यहाँ पे जो टीम्स हैं गाइस वो विलेज ई स्पोर्ट है, टीएससीएम एंटिटी है, एंड गाइस यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट है, एंड यहाँ पे फैनेटिक है, एंड ओज भी गाइस बहुत सारी टीम्स हैं, तो गाइस उन सब से यहाँ पे टोटली बात की है, एंड गाइस यहाँ पे इस पोस्ट में मतलब लिखा हुआ है गाइस डायरेक्टली कि यार मतलब यहाँ पे आफ्टर रिलीजिंग स्टेटमेंट्स ऑन ट्यूजडे, मतलब जब वो बैन का हुआ था, तो वी वांट टू वर्क इन द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मतलब कर रहे हैं मिलकर वर्क, एंड मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ठीक है गाइज। एंड यहाँ पे टेंसेंट ने यहाँ पे बात की उन सब से, वो भी आपका हो गया ठीक है, एंड ये सब टीम्स के नाम आज के, एंड गाइज बोथ टेंसेंट एंड इंडियन गेमर आर हर्ट, मतलब सबके सब सैड हुए हैं यार, इंडियन गेमर भी यहाँ पे एंड टेंसेंट के भी, मतलब सबको प्रॉब्लम हुई है, एंड यहाँ पे कोई डाउट नहीं है गाइज, ये जो हमारे अभी पीएमपीएल होंगे, एंड गाइज और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गाइज उसमें यार बहुत लाखों रुपए लगे हुए हैं, तो वो सब वेस्ट हो जाते हैं, एंड यहाँ पे बहुत लोग हैं, इंडिया का भी यार बहुत लॉस होता है उसमें, मतलब इंडिया का इसलिए लॉस होता है यार इतने सारे प्लेयर्स हैं, इतनी सारी कंपनियाँ स्पॉन्सर करती हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लॉस होते हैं, तो गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन भी हट चुका है, एंड गाइज ये जो जितने लॉस होते वो भी हो चुके हैं, एंड टेंसेंट यहाँ पे फाइनली रेडी हो चुका है। सो गाइज अभी सीन क्या है, सो गाइज अभी यार सीन ये है कि यार बहुत जल्द मतलब ये नहीं कि कल अपडेट आ रही है उसका मैं कुछ चेकआउट करूंगा कि हम उसको अपडेट कर पाए, बिकॉज का जब ये पबजी आने वाला है तो गाइज ये लीगली हो जाएगा, बाकी देख लो ना वीडियो ठीक है, देखूंगा अगर अपडेट हुआ तो वीडियो डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। बाकी गाइज यहाँ पे ये सीन है कि अभी टेंसेंट सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, टेंसेंट उसके वर्क करेगा, ये जो पॉलिसी है पूरा डेटा इंडिया के अंदर सेव होगा, तो इसमें टाइम लग सकता है, एक हफ्ता दो हफ्ता लग सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि यार पूरा इतना बड़ा डाटा सब इंडिया में सेव होगा या हांगकॉन्ग में होगा या सिंगापुर में होगा, तो बस वो डिसाइड करेंगे, इतना सारा डेटा भेजना उस पर थोड़ा टाइम वगैरह लगेगा, क्योंकि नेट से भेजें जाएगा वैसे क्या वैसे भेज देंगे, जैसे भी यार भेजेंगे मतलब यहाँ पे टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा ठीक है। और गाइज ये सब अभी डिसाइड हो चुका है, तो फाइनली हमें बस वेट करना है यार कब हमें देखने के लिए मिलता है, अभी बस सर्वर डाउन नहीं होंगे, जहाँ तक मेरे हिसाब से 99% यही हो रहा है कि यार अभी कोई सर्वर डाउन नहीं होगा, हम पबजी खेल पाएंगे, इवेंट वगैरह बंद कर दिए गए थे बिकॉज यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से तो बैन हो ही गया था, बट गाइस यहाँ पे टेंशन नहीं, यहाँ पे कुछ बंद नहीं किया बिकॉज उसको भी पता है, आई थिंक कल अपडेट के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या पता पबजी ना चले, एंड ऐसा भी हो सकता है गाइस पबजी यहाँ पे मतलब हमें अपडेट देखने के लिए मिल जाए, एंड उन्होंने यहाँ पे ये बात की हो कि यार वो एक दो दिन में यहाँ पे सब कुछ कर देंगे सेट आउट, एंड फिर यहाँ पे हो जाए, तो गाइस अभी देखेंगे क्या होगा कल को। बाकी गाइस आज वाली वीडियो में इतना ही था, सो होप यू गाइस यार आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड यार इतना देख लिया तो यार अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा, लाइक वाला तो जल्दी से आगे दबा दो, एंड गाइस आपको बताना गाइस आप यार अपडेट में एक्साइटेड हो या नहीं हो, एंड बस मिलेंगे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।